सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आप लोगों को पता है मैं आ गया हूँ बैंगलोर, और बैंगलोर मैं आया हूँ क्योंकि आज मेरा कॉन्वोकेशन डे है, तो कॉलेज जाना था, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी वाराणसी से भी आना पड़ा, फिर घर आके अगेन कनेक्टिंग फ़्लाइट वगैरह लेके मैं बैंगलोर पहुँचा। तो अब चलेंगे कॉन्वोकेशन के लिए, और कॉन्वोकेशन के लिए ड्रेस कोड जो कॉलेज वालों ने बोला वो था वाइट एंड वाइट, तो मैंने सोचा ठीक है वाइट शर्ट पैंट में तो बहुत ख़राब दिखूँगा तो कुर्ता ही ले लेते हैं। तो अभी अटायर पहन चुका हूँ। अब यहाँ से मेरा कॉलेज बिल्कुल सामने है, मैं अपने जूनियर के फ्लैट पे ही आ गया था रात को क्योंकि 3 बज गए थे ऑलमोस्ट। तो बस अब जल्दी से चलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सीन है कॉलेज में। चलिए, ये मेरे कॉलेज का मेन गेट है, मैं पहुँच गया हूँ, बाहर वेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक फ्रेंड आने वाला है, तो एक बार वो आ जाए फिर अंदर चलेंगे। तो फिर अंदर आने के बाद ये लोग एक स्कार्फ दे रहे थे, वो लेके हम लोग आके बैठ गए हैं अभी अंदर। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं यूनिवर्सिटी में, तो जितने भी स्कॉलर्स हैं सिर्फ उनको ही स्टेज पे बुला के डिग्री दे रहे हैं। और आज के लिए हमारे चीफ गेस्ट हैं वेंकैया नायडू सर, जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, वो अभी एड्रेस कर रहे हैं। मैं काफ़ी आगे आके बैठ गया हूँ, और मेरे सामने सारे फैकल्टीज बैठे हुए हैं, टीचर्स वगैरह, तो इसलिए यहाँ से एकदम क्लियर व्यू है। ये देखो अभी स्पीच चल रही है, तो सुन रहे हैं बैठ के आराम से, और इनको सुनने के बाद बिल्कुल भी बोरियत तो नहीं लग रही है क्योंकि एडवाइजेस दे रहे हैं और बहुत ही जेन्युइन टॉक कर रहे हैं, तो मज़ा ही आ रहा है। If you are not physically fit, you will become lazy and then crazy. That has to be understood by one another. So do some exercise. तो अभी इनकी ड्रेसिंग पूरी हो चुकी है, अब इसके बाद और भी कुछ प्रोग्राम है, कुछ और लोग आए हैं, तो वो भी थोड़ा एड्रेस करेंगे, तो हम देखते हैं। तो अब गहलोत जी आए हैं हमें एड्रेस करने के लिए, जो कि अभी प्रेजेंट में गवर्नर हैं कर्नाटका के, तो अब इनको सुनते हैं हम लोग बैठ के। तो अब इनकी भी स्पीच हो चुकी है, अब आई गेस चांसलर सर इस कन्वोकेशन को क्लोज डिक्लेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों को यहाँ से फर्दर मूव करना है आगे। तो अब प्रोग्राम एंड हो चुका है, अब हम लोगों को यहाँ से निकलना है, फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल ये लोग सब जा रहे हैं, और फिर इधर ये देखो सारे लोग आए हुए हैं, इंजीनियरिंग वाले, नॉन इंजीनियरिंग वाले, हर डिपार्टमेंट के, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अब सारे जो भी चीफ गेस्ट थे देवा फैमिली के, जो भी मेन लोग हैं, सारे स्कूल्स के डायरेक्टर, वाइस चांसलर सर, चांसलर सर से लेके सब लोग धीरे धीरे प्रोसीड कर रहे हैं, तो इधर से लोग उनके जाएंगे। हम लोगों को इनके जाने तक का वेट करना है, फिर उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर निकल सकते हैं, इसीलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। अब सब लोग धीरे धीरे करके मूव कर रहे हैं, तो मैं भी अब वहाँ से निकल गया हूँ, और हमें अब जाना है अपने क्लासरूम में। अच्छी स्वीकृति देनी हो रहा है क्लास। सो अभी कन्वोकेशन एंड हो चुका है, अब मुझे जाना है 6th फ्लोर पर, वहाँ से जाके सर्टिफिकेट लेना है। जब हम लोग अंदर थे तो वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स थे, तो वो लोग ऐसे मतलब वीडियोज बनाने नहीं दे रहे थे, तो इसीलिए मैं सामने से शूट नहीं कर पाया, बट कोई नहीं, ठीक है। अब जाएंगे वापस से मेरे ब्लॉक में जो कि पीछे है, स्वामी विवेकानंद ब्लॉक, उसके 6th फ्लोर पे जाना है, वहीं से सर्टिफिकेट इशू होगा। फ़िलहाल मैं अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, वो आएगा तो जाऊँगा आगे। और ये मेरे यूनिवर्सिटी का प्लेग्राउंड है, उधर बास्केटबॉल कोर्ट है, देन ये रनिंग के लिए है, फुटबॉल के लिए, वो ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा रेवा फिटनेस सेंटर। बाकी इधर एक साइड एक लाइन से बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे वो बॉयज़ मेस है, देन इधर उनका डिस्पोजल का प्लांट लगा हुआ है, ट्रीटमेंट प्लांट। बाकी ये पूरा कैंपस है काफ़ी बड़ा, और कुछ 16-17 हज़ार स्टूडेंट्स हैं। बाकी पहले सबसे मेन ब्लॉक हुआ है सर सी वी रमन ब्लॉक, वहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, देखो तो बहुत ग्रीन कैंपस है एकदम। और ये है रेवा का फूड कोर्ट, जो कि आज बंद है, बस ओपन रहता है, बहुत बड़ा है, मॉल जैसा है एकदम, ये देखो नया ही बना है, यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है। और ये रेवा का ब्रांड स्टोर, इसमें रेवा के कपड़े मिलते हैं, जिनको टी शर्ट वगैरह चाहिए क्यों धनराज आके ले लो। अब तो हर जगह ये देखो फोटो रील्स, इसी का माहौल है।
ये रेवा का हेल्थ सेंटर, अगर बीमार पड़ गए तो यहाँ आ जाओ, हॉस्टल वालों के लिए है बेसिकली। और वहाँ जो इसका दूसरा ग्राउंड है उसी में इन्होंने सारे अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। यहाँ से सीधा रास्ता है मेरे ब्लॉक का, और ये एक मेरा दोस्त है धनराज चौधरी, क्या धनराज। और इधर मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया, ये रेवा की सेंट्रल लाइब्रेरी है 2-3 फ्लोर की। तो मेरे ब्लॉक के ठीक सामने यहाँ पे सब लोग पिक्चर्स ले रहे हैं बारी बारी से, बहुत क्राउड है। मैं स्टेयर्स पे खड़ा हूँ अभी, तो सब लोगों को दिखा रहा हूँ बाहर। और अंदर आने के बाद ये देखो यहाँ पे भी लोग पिक्चर्स ले रहे हैं। ये रेवा रंगस्थल है ग्राउंड फ्लोर पे, और हर जगह पिक्चर्स लेने का माहौल है। देन ये कुछ 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, हर फ्लोर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए है, तो मेरा डिपार्टमेंट 6 फ्लोर पर है। चलिए अब ऊपर चलते हैं। पहले तो अभी मैं आ गया हूँ 6th फ्लोर पे, और हर जगह इन्होंने ऐसे पिक्चर्स लेने के लिए पीछे बना के रखा है, सब लोग पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं। मैं फिलहाल जाके पहले डिग्री लूँगा, उसके बाद देखते हैं पिक्चर्स वगैरह अपना क्या सीन है। और ये देखो मैं अभी 6th फ्लोर पे हूँ, 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, 2 अंडरग्राउंड फ्लोर्स भी हैं, सारे लोग डिग्री लेने के लिए वेट कर रहे हैं। और हर फ्लोर पर पिक्चर्स लेने के लिए ऐसा बना रखा है, आराम से पिक्चर्स ले सकते हो। सो ये रहा मेरा बैच, और इतने लोग आए हैं, मैं सबसे पीछे बैठा हूँ। ये देखो ये वेट कर रहे हैं टीचर के आने का। अभी डिग्री लेने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, पीछे देखो इस तरफ सब लोग एक एक करके जा रहे हैं, तो थोड़ा वेट कर रहा हूँ, आराम से जाएंगे सीधा डिग्री लेके, लंच करके और निकलते रहेंगे। और यहाँ पे हैं ओपन स्टेयर्स, यहाँ पे हवा बहुत अच्छी लगती है। ये देखो ये पूरा कैंपस है, मैं 6th फ्लोर पर हूँ, लोग डिग्री लेके जा रहे हैं अभी। हर फ्लोर पे जो भी डायरेक्टर्स हैं वो इंडिविजुअली डिग्री दे रहे हैं, ये देखो, इसलिए हर जगह भीड़ है। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है तो मैं साइड में वेट कर रहा हूँ, जब भीड़ खत्म होगी तब जाएंगे आराम से। सो यहाँ पे डिग्री मिल रही है, और अभी मैंने डिग्री ले ली है, अब चलते हैं। सो अभी डिग्री ले ली है, अब चल के लंच करते हैं, अब नीचे जा रहे हैं क्योंकि 6th फ्लोर पर लिफ्ट नहीं आता, तो फिर फ्लोर से लिफ्ट लेंगे। अभी मैं डिग्री लेके बाहर आ गया हूँ, और ये देखो कैब तो है नहीं हमारे पास, तो ये लोग इस कार को आने की कोशिश कर रहे हैं, कॉलेज वालों ने दिया नहीं यार, देना चाहिए था उनको। बाकी कुछ लोग सुगंधिका में भी ऊपर स्टेज पे खड़े होके पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, और हर जगह इन्होंने डेकोरेट कर दिया, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ इस लॉन में हो रहा है लंच, ये देखो पेरेंट्स लोग के लिए भी और स्टूडेंट लोग के लिए भी सब लोग खा रहे हैं, तो अभी देखते हैं कि क्या क्या है लंच में। और ये देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पर खाने के लिए यार, सिर्फ राइस ही खा रहे हैं सब लोग, राइस ले लेके खड़े हैं सिर्फ, ये देखो। तो अभी अब मैं बाहर निकल रहा हूँ, और मैंने लंच नहीं किया क्योंकि लंच में कुछ था नहीं, सिर्फ राइस और बनाना दे रहे थे, तो इसलिए मैंने नहीं किया। तो बाहर चल के देखते हैं कुछ ना कुछ खाएंगे। सो अभी मैं कॉलेज से आ गया हूँ बाहर, मैंने लंच नहीं किया क्योंकि लंच में सिर्फ राइस और बनाना दे रहे थे और कुछ था नहीं खास, तो अब कहीं आसपास रेस्टोरेंट है तो वहाँ जा के आराम से लंच करेंगे, क्योंकि सुबह थोड़ा लेट हो गया था तो इस वजह से मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। अभी 2 बज रहे हैं, डिग्री भी ले ली है, तो अब चल के आराम से करेंगे लंच, फिर उसके बाद देखते हैं और आगे का क्या प्लान होता है। अभी मैं ठीक अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हूँ, और ये देखो यहाँ पे ट्रैफिक होना शुरू हो गया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो इस वजह से, और सब लोग अब निकल रहे हैं। चलिए हम लोग भी चलते हैं और चल के पहले लंच करते हैं। और आज लास्ट डे है, डिग्री वगैरह भी सब कुछ ले लिया है, कन्वोकेशन ख़त्म हो चुका है, तो आप पता नहीं रेवा कब आएंगे नहीं आएंगे। सो अभी मैं लंच करने के लिए डाइनिंग स्पॉट में आ गया हूँ, क्योंकि यही मेरी यूनिवर्सिटी से एकदम खास है, और इसका टेस्ट भी अच्छा है, यहाँ मैं हमेशा आया करता था, तो सोचा चलो यहीं पर खा लेते हैं, फिर पहले लंच करते हैं। यार बहुत तेज भूख लगी, इसलिए मैं ज़्यादा दूर नहीं गया क्योंकि यहाँ पर बहुत ट्रैफिक होता है, कहीं भी जाएंगे 1 घंटा और वेट करना पड़ेगा ऊपर से ट्रैफिक ये हो, इस वजह से पास में ही आएंगे। ठीक है फिलहाल के लिए यहाँ खा लेते हैं, फिर देखेंगे आगे। चलिए ऑर्डर करते हैं। तो ये आ गया हमारा लंच, पनीर फ्राइज, कुलचा, वाटरमेलन जूस, लाइम सोडा, बटर मसाला, और ये स्टोरी डाल रहा है अभी। चलो धनराज खाना शुरू करते हैं। तो अभी मैं लंच वगैरह करके आ गया हूँ वापस से फ्लैट पे, अब थोड़ा चेंज वगैरह करके रेस्ट करूँगा क्योंकि अब कन्वोकेशन ख़त्म हो गया, डिग्री भी मिल गई है,
और कुछ कॉलेज में थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स है वो लेने हैं, तो वो मैं कल परसों में लूँगा आराम से। बाकी ठीक था, बस लंच का यार थोड़ा और अरेंजमेंट करना चाहिए था। क्या यार रेवा वाले कंजूसी करते हैं, मतलब क्या ही बोलना है। देखो नेक्स्ट ईयर से मे बी कुछ चेंजेस करें, बट लंच वॉज नॉट गुड, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करूँगा। बाकी और जो भी अरेंजमेंट्स थे वो सब डेकोरेशन से लेकर सब कुछ बहुत अच्छा था। अब देखो रेवा के दोस्तों से कब मिलते हैं, कब मुलाकात होती है। तो ये मैंने ऐसे ही एक क्विक कन्वोकेशन का व्लॉग बना लिया, तो इस व्लॉग को अभी यहीं एंड कर देता हूँ। अब बैंगलोर में बाकी जहाँ भी जाऊँगा जो कुछ भी करूँगा वो सब मैं अलग से दूसरे व्लॉग्स में रिकॉर्ड करूँगा। फ़िलहाल के लिए इस व्लॉग में इतना ही। तो जो भी देख रहे हैं व्लॉग को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, कुछ नहीं ज़्यादा सब्सक्राइब करने में। बाकी मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तो बाहर आया हूँ, 10-12 दिन बाहर ही रहूँगा, ट्रिपिंग होगी, घूमना फिरना होगा, देखते हैं बाकी और कहाँ कहाँ जाते हैं। तो बस बने रहिए।